नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का वागड़ पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए देख लेते हैं आज की हेडलाइन। 45 दिन बाद प्रकाश सेवक हत्याकांड, दूसरा मास्टरमाइंड आरोपी बांसवाड़ा से किया गिरफ्तार। भाजपा ने निकाली बाइक रैली, पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा ने 84 क्षेत्र में ली बैठक, कहा क्षेत्र के विकास हेतु कांग्रेस को जिताएं। पंचायत राज चुनाव को लेकर बीटीपी के दोनों विधायकों का तूफानी दौरा जारी। माँ खेत पे गई थी और 8 साल की बालिका के साथ चचेरे भाई ने किया दुष्कर्म। और अब खबरें विस्तार से। प्रकाश सेवक हत्याकांड में कई दिनों से फरार चल रहे आरोपी राशिद कुरैशी को बांसवाड़ा से गिरफ्तार किया गया। आरोपी मोबिन की गिरफ्तारी के बाद से ही उसका साथी राशिद कुरैशी फरार चल रहा था। मोबिन की गिरफ्तारी की सूचना मिलने पर राशिद उत्तर प्रदेश भाग निकला, जिसके बाद से ही पुलिस लगातार राशिद की तलाश कर रही थी। इधर आज पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि राशिद बांसवाड़ा जिले में काम की तलाश के लिए आया है। उसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राशिद को दबोच लिया। गौरतलब है कि 4 अक्टूबर को व्यापारी प्रकाश सेवक से उधार लिए पैसे नहीं चुकाने की मंशा से राशिद कुरैशी और मोबिन ने हड़मतिया बटीकड़ा मार्ग पर प्रकाश का गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। भारतीय जनता पार्टी के एससी मोर्चा द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाइक रैली निकालकर भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील की, जिसमें राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन द्वारा हरी झंडी दिखाकर रैली की शुरुआत की गई। रैली से पूर्व हर्षवर्धन ने कहा कि भाजपा है तो विकास है, अगर विकास चाहिए तो भाजपा लाइए और जिला प्रमुख भाजपा का होना चाहिए। बाइक रैली की शुरुआत सुरपुर से शुरू होकर पादरी गांव में जाकर खत्म हुई, जिसमें जिला महामंत्री धनपाल जैन, डॉक्टर जिनेन्द्र शास्त्री, सुदर्शन जैन, नीरव जोशी, एससी मोर्चा महामंत्री बृजेश वसीटा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता व पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा ने आज कोबांसिया व सुजातलाई भादर का चुनावी दौरा कर पंचायत चुनावों में कांग्रेस प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिताने की अपील की। बैठक में पूर्व सांसद भगोरा ने कहा कि क्षेत्र का विकास कांग्रेस सरकार ही कर सकती है। उन्होंने कहा कि प्रधान व जिला प्रमुख कांग्रेस का बनेगा तो क्षेत्र में विकास तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। पंचायत समिति सदस्य प्रत्याशी विमल प्रकाश डोडियार व जिला परिषद सदस्य प्रत्याशी विनोद कटारा को भारी बहुमत से जिताने की अपील करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी 36 कोमों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, जिसके बाद भादर, चाड़ोली, मेवड़ा, घुबेड़ में बैठक की। बैठक में कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताने की अपील कर कड़ी से कड़ी मिलाने की बात कही। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष प्रकाश पाटीदार, निवर्तमान प्रधान निमिषा भगोरा ने अपने संबोधन में कांग्रेस पार्टी को मजबूती दिलाने के लिए प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिताने की अपील की। बैठक में बड़ी संख्या में ग्रामीण व कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक के दौरान जिला उपाध्यक्ष एवं पूर्व सरपंच भगवान लाल कलाल के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। बीमारी और तकलीफ में अगर अहमदाबाद का रुख कर रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि आपके आसपुर में ही है आपके मर्ज का इलाज। सिद्धि विनायक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सिद्धि विनायक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके आसपुर में ही देता है हर वो सुविधा जिसके लिए आप दौड़े जाते हैं गुजरात। यहाँ आपके लिए हर मेडिकल सुविधा है, फिजिशियन एवं सर्जन की सारी खूबियाँ, ऑर्थोपेडिक एवं ट्रॉमा विभाग 24 घंटे उपलब्ध है। यहाँ प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में स्त्री रोग विशेषज्ञ रखते हैं हर प्रसूता का बेहद खास ख्याल। हर विभाग में है अनुभवी जिम्मेदार डॉक्टर जिनकी निगरानी में रहते हैं आप हर समय, यानी कि 24 घंटे। अरे रुकिए, इतना ही नहीं, अब दंत रोग विभाग का भी हो चुका है शुभारंभ। यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस डेंटिस्ट रखते हैं आपके दांतों का ख्याल। तो आप गुजरात के अहमदाबाद नहीं, वागड़ के आसपुर में है आपकी बीमारी का इलाज पूरे विश्वास के साथ। तो चले आइए सिद्धि विनायक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं सोनोग्राफी सेंटर आसपुर। हमारा पता रोडवेज बस स्टैंड के पीछे गायत्री मंदिर कैलाश होटल के सामने आसपुर। संपर्क करें MD योगेश जोशी एवं निकुंज प्रेम शंकर जोशी। कॉल एट 9783826689 8003850065।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डूंगरपुर जिले में आगामी पंचायत राज चुनाव को लेकर बीटीपी के 84 विधायक राजकुमार रोत व सागवाड़ा विधायक राम प्रसाद डिंडोर का तूफानी दौरा जारी है। 84 विधायक राजकुमार रोत ने आसपुर विधानसभा के 6 जगह पर जनसभा की, वहीं सागवाड़ा विधायक ने डूंगरपुर विधानसभा में 7 जगह कार्यकर्ता को संबोधित किया। साबला सभा में राजकुमार रोत ने किसी पार्टी का नाम नहीं लेते हुए कहा कि इस बार बीटीपी पार्टी के जिला प्रमुख और प्रधान बनाना तय है, क्योंकि जनता सब जानती है एक ही पार्टी है, वो है बीजेपी। तो इस बार गांव की सरकार बीटीपी की सरकार। वहीं डूंगरपुर दौरे पर रहे सागवाड़ा विधायक राम प्रसाद डिंडोर ने रोहनवाड़ा से बीटीपी समर्थक उम्मीदवार रेखा कलासुआ के समर्थन में मतदान करने की अपील की और कहा कि पंचायती राज चुनाव में बीटीपी पार्टी का चुनाव चिन्ह ऑटो रिक्शा नहीं मिलने पर निर्दलीय के रूप में खड़े हुए उम्मीदवार को जिताना है, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता सिर्फ काम से जाने जाते हैं ना कि नाम से। कांग्रेस और बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं होगा गांव की सरकार बनाना, क्योंकि इस बार बीटीपी का जिला प्रमुख बनेगा और सभी पंचायत समिति में बीजेपी का प्रधान बनेगा। रामसागड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव में 8 साल की बच्ची से ज्यादती का मामला सामने आया है। घटना उस समय हुई जब पीड़िता की मां घर से 1 किलोमीटर दूर खेत में पानी पिलाने गई थी। घटना 13 नवंबर की बताई जा रही है। रामसागड़ा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जांच डीएसपी मनोज सामरिया को दी गई है। नाबालिग पीड़िता व आरोपी रिश्ते में चचेरे भाई बहन है और आरोपी नाबालिग है। दरअसल 13 नवंबर की सुबह 8-9 बजे परिवादी की दोनों बच्चियां घर पर थी। परिवादी घर से 1 किलोमीटर दूर खेत में पानी पिलाने गई। शाम को 6-6:30 बजे वापस घर आई तो 8 वर्षीय बेटी रो रही थी। इस पर मां ने बच्ची से रोने का कारण पूछा तो बच्ची ने पूरी घटना बताई। आरोपी बच्ची को घसीटकर घर ले गया और दुष्कर्म किया। परिवादी ने बताया कि पति घर पर नहीं होने से समय पर थाने नहीं आ सकी। पति के मजदूरी से घर आने पर सारी घटना बताई। इस पर पीड़िता को लेकर थाने पहुंचकर सारी घटना बताई। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं नाबालिग पीड़िता का मेडिकल परीक्षण भी करवाया गया है। वागड़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।